आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पिवट टेबल के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और हम पिवट टेबल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक पिवट टेबल प्रोजेक्ट। तो एक सुरेश सूर्य नारायण करके कोई है, उन्होंने मुझसे एक प्रॉब्लम का सलूशन मांगा था व्हाट्सएप पर। बहुत लंबी व्हाट्सएप की थी, बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि उनके पास बेसिकली तीन तरह का डेटा होता है, वो डेली हर महीने का सेल करते हैं। उनके पास मान लीजिए 5 कस्टमर्स है, तो जो ओपनिंग है मान लीजिए सितंबर की ओपनिंग, सितंबर महीने में तो कस्टमर्स के पास 5,000, इसका 62,000, इसका 5,200, इसका 6,500 और इसका मान लीजिए 12,000 रुपया बकाया रह गया है। इस महीने इन्होंने इतने सारे उनको पैसा दिया है और इन्होंने ये पेमेंट किया है, राइट। अब जरूरी है कि पेमेंट वो ओपनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग किया है, सेल्स के किया, जैसे उनको हम सामान देते जाते हैं और वो अपने हिसाब से मुझे पेमेंट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें एक ऐसा डैशबोर्ड चाहिए जिससे पता चल सके कि कितनी पेमेंट आई, कितनी सेल्स आई। तो सेल्स में ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग प्लस सेल्स के बिना कितना ड्यू दिया गया और कितना अमाउंट रिसीव हुआ और किस कस्टमर के पास कितना अमाउंट बचा हुआ है। सुनाया सर आपको? हेलो सर, सुना है कि नहीं आपको? प्रॉब्लम समझ में आया सुनील जी? समझ में आया आपको? हेलो। तो इसका सॉल्यूशन हम फॉर्मूले से तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हम पिवट से करना चाहते हैं और पिवट में पावर पिवट से। तो हम पावर पिवट पे जाते हैं, मैनेज पे क्लिक कर, क्योंकि कल हमने आपको पावर पिवट पढ़ाया था और बताया था कि हम पावर पिवट की कुछ और एग्जांपल हम आपको देंगे। ये हमारा पावर पिवट आ गया। अब मैं एक एक करके अपने डेटा को ऐड कर, सबसे पहले सेल्स को हमने ऐड किया यहां, ऐड टू डेटा मॉडल, माय डेटा हैज ए हेडर एंड ओके। उसके बाद फिर वापस हम पेमेंट पे जाते हैं और फिर पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं पावर पिवट में, ऐड टू डेटा मॉडल एंड बाद हम ओपनिंग को भी सिलेक्ट करते हैं और इसको यहां पे हम ऐड टू डेटा में। और फिर तीनों में हम रिलेशन देते हैं, डायग्राम व्यू में हम बोलते हैं कि इसकी सीआईडी इसके बराबर है, सॉरी इसका लिंक हमने इससे कर देते हैं, और फिर इसका लिंक हम इससे कर देते हैं, ठीक है। अब पिवट टेबल पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो पिवट टेबल में हम यहां नेम रखते हैं
और ये हमारा बैलेंस हो गया। और इस बैलेंस की यहां से एक मिनट, टेबल वन आपका पेमेंट हो गया। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार इसको मैनेज में जाके चेंज कर देता हूँ, सही रहेगा। मैं वापस डेटा व्यू में आता हूं, इसका नाम मैं सेल्स रखता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं पेमेंट। इसका नाम मैं रखता हूं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं ताकि हाँ यहाँ रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ गया। तो हमने ओपनिंग में से बताया कि भाई किसका कितना अमाउंट ओपन है, तो इतना अमाउंट पहले से बाकी था। हमने पेमेंट, हमने बोला कि हमें इसके बिहाफ पे पेमेंट कितना आया और हमने इसके बिहाफ पे सेल कितना किया। आगे क्लियर सर? अब इसमें दिक्कत यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरा ए, ए हमारा हो गया ओपनिंग, ए हो गया हमारा पेमेंट, पेमेंट और ए हमारे पास आ गया सी। मुझे इसमें बैलेंस निकालना है कि बैलेंस अमाउंट कितना है, समझ गए सर? तो यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे सेट ऑफ रो आइटम्स, यहां पे हम लिखते हैं बैलेंस, नहीं इस पे सेट ही अलग है, आई थिंक सेट अलग है, सेट काम नहीं करता है। हम जाते हैं आपका मैनेजमेंट, यहां ही हमें करना पड़ेगा। इसी पे मैं करता हूं पेमेंट, रिलेटेड करता हूं कॉलम में, यहां पर कॉलम में नहीं आ रहा, यार
यहाँ पे हम समीप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेम आया, ये गलत है। यहाँ पे समराइज लगेगा, मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, मैं इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें आता है टेबल, किस टेबल से चाहिए, तो मुझे चाहिए पेमेंट। ओके, ग्रुप बाय नेम, तो हमने बोला इसमें नेम्स, फिर इसमें आता है कॉलन, किसका इसमें हमने बोल दिया इसमें नेम नहीं, यहां पे पेमेंट नेम होगा, पेमेंट नेम मैच किसमें करना है, मैच इसमें करना है हमें इस नेम से, और टोटल किसमें लगाना है, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। करना चाहिए था, एक्सप्रेशन था
यहाँ पे इनका वोटर्स यहाँ पे बैलेंस दिखाना है और बैलेंस यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, कुछ सोचना होगा सर इसके लिए। समराइज फॉर्मूला तो वर्क करता है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली टोटल चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं डाल दूं रिलेटेड और उसमें मैं डालता हूँ पेमेंट डॉट अमाउंट, सम अगर कर देता हूं, सम विद इफ नहीं है इसमें, एक ही आ रहा है। यहाँ पे पेमेंट का टोटल अलग अलग है, तो मुझे यहाँ पे सम इफ लगाना है। अगर सम इफ यहाँ हो गया तो यहाँ पे इजीली इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है। मैं इसमें रिसर्च करके आपको बताता हूँ सर, तो आप लोग भी इसमें रिसर्च कीजिए, ठीक है। इसमें एक तरीका और हो सकता है, यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है, कैलकुलेटेड का भी ऑप्शन आता है। कैलकुलेटेड इसमें सम सम में आ जाएगा पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट और फिर इसमें आएगा
फिल्टर, फिल्टर ये होना चाहिए। नहीं आएगा, ट्रांजेक्शन इसमें कॉमा, फिल्टर एक्सप्रेशंस ओपनिंग नेम, या ओपनिंग कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। मैं आपके सर रिसर्च करके आपको मैं कल तक रिप्लाई करता हूँ, ठीक है सर, और आप लोग भी इस पर रिसर्च कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही और हो सकता है, एक मिनट रुक जाइए, पेमेंट, और मैंने यहाँ पे बना कि ओपन एक्सप्रेशन में हमने बोला कि ओपनिंग नेम इज इक्वल टू पेमेंट, पेमेंट देखता हूं। हाँ आ गया, आ गया पूजा 88,36 सही है ना। चलिए हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने कैलकुलेट में बोला कि सम पेमेंट अमाउंट होना चाहिए, किसका सम करना है अमाउंट का, उसमें फिल्टर क्या कर रहा है, जो कंडीशंस होते हैं वो फिल्टर में होते हैं। तो फिल्टर हमने बोला कि पेमेंट और यहाँ पे ओपनिंग नेम इक्वल ओपनिंग, ओपनिंग नेम इक्वल टू पेमेंट नेम यहाँ होना चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे सेल्स का भी सम कर लेते हैं, सेल्स अमाउंट उल्टा कर दिया, अमाउंट को बच्चे ने एएमपी एस अमाउंट कर देता हूं। और यहां पे सेम फॉर्मूला हम लगाते हैं, बस यहां पे पेमेंट के जगह पे सेल्स आ जाएगा, सेल्स अमाउंट, और यहां पे पेमेंट के जगह पे सेल्स हो जाएगा। यहां पेमेंट है ना, एक मिनट, दो इक्वल है यहां पे, दो इक्वल है, इसको एक कर देता हूं। यहाँ पे सेल्स आ गया। अब यहां पे हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस,
बैलेंस में हम बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट प्लस एस अमाउंट। और इन दोनों में से हम माइनस कर देते हैं इसको, माइनस बैलेंस यहां पे कर देते हैं पेमेंट। आ गया। और अब हम एक्सेल के इस पे जाते हैं, सेल्स नहीं, मैं ओपनिंग पे आता हूं। तो ओपनिंग में हमारे सामने बैलेंस है, हमने बैलेंस को इसके सेल्स के बाद के बैलेंस। तो डेटा जो भी अपडेट होगा यहाँ पे अपने आप को चेंज कर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो कल की क्लास में हम आगे कोर्स को कंटिन्यू करें।